फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि आप घर पे बैठे बैठे कैसे पार्लर की टाइप पेडिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम अपने फेस की ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ही हमारे पैर भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है एक बॉडी का, तो हमें उसे भी बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम घर पे बैठे बैठे घर का इंग्रेडिएंट से कैसे हम सिंपली तरीके से पेडिक्योर कर सकते हैं। मेरे पैर में नेल पॉलिश था, इसीलिए मैंने ये लैक्मे का रिमूवर यूज़ किया। इसमें विटामिन ई भी है जो हमारी नेल के लिए बहुत अच्छे है। इसे मैं यूज़ करके अपनी पैर के सारी नेल पॉलिश जो पहले पहनी थी उसे सब उठा दिया है। इसका प्राइस यहाँ पे लिखा है 90 रुपये। बहुत दिन तक चले जाता है ये जितना रहता है एक कंटेनर में। और आप मेरे पैर देखिए, मेरे पैर अभी यह हाल में है। चलिए अब इसे पेडिक्योर करके थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने एक टब में थोड़ी सी गर्म पानी लिया है और एक शैम्पू का पत्ता लेके एक शैम्पू का पत्ता पूरा सा दे दिया है। मैंने क्लिनिक प्लस यूज़ किया है। आपके घर में जो भी शैम्पू है उसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए, ऐसे पूरा हो गया है पानी। तो अभी मैं पैर को इसके अंदर डुबो दूँगी। पैर को इस गर्म पानी के अंदर रख देती हूँ। पाँच मिनट के लिए रख देती हूँ, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो थोड़ा सा नरम हो जाएगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो 5 से 10 मिनट रखने के बाद मेरे पैर थोड़ी नरम हो गई है। अभी मैं एक ब्रश लिया हूँ, इस तरह का ब्रश है ये, इसे मैं पैर थोड़ी सी क्लीन कर लेती हूँ। पैर के साइड भी अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ही दूसरे पैर को भी मैंने क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैं एक स्क्रबर यूज़ करती हूँ जो ओरिफ्लेम का है। यह फेस स्क्रब है, फिर भी मैं इसे पैर में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दोनों का काम तो स्क्रब करना ही है, तो सेम है इसीलिए। तो मैं थोड़ा सा स्क्रबर ले लेती हूँ। पूरे पैर में इसे अच्छी तरह से मैं दे देती हूँ। स्क्रबर हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। जो पुराने सेल्स हैं स्किन के उसे रिमूव करके न्यू सेल जनरेट होने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, और स्किन को ग्लो भी करने में हेल्प करता है। स्क्रबर लेके मैंने अच्छी तरह से सारे फिंगर्स और नेल्स भी क्लीन कर रही हूँ। स्क्रबर को लेके अच्छी तरह से स्किन पे मसाज भी कर लिया करें, क्योंकि वो मसाज भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, मैंने दूसरे पैर भी स्क्रब कर रही हूँ और स्क्रबर को लेके थोड़ा सा मसाज भी कर रही हूँ। स्क्रब करने के बाद
मैं पैर को फिर से अच्छी तरह से धो लेती हूँ। स्क्रब करके धोने के बाद मैंने एक ऐसा ये लिया है, इसको लेके मैं अपनी नाखून को थोड़ी सी क्लीन कर लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरह जो कोन है उसे मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जो नाखून का कोन है वहाँ पे बहुत सारी मैल जम जाता है तो वो अच्छा नहीं है, इसलिए उसे भी क्लीन कर लेती हूँ। और फिर से हम जो नाखून का जो अंदर वाला हिस्सा है उसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ बिल्कुल इस तरह से। तो मेरा एक पैर हो गया है, अभी मैं दूसरा पैर कर लेती हूँ। तो मैंने सारे नाखून को क्लीन कर लिया है, अभी मैं इसे थोड़ा सा पानी में डुबो के थोड़ा सा अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने एक टॉवल लिया है, टॉवल लेके मैंने अपने पैर को सुखा दे रही हूँ। ये मेरा भाई है, मेरी अंकल की बेटा, तो वो भी हम सब लोग एक साथ रहते हैं, तो अभी वो यहाँ पे ही है, देख रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारा हो गया है पेडिक्योर, अभी देखिए पैर बहुत ज़्यादा पहले से सॉफ्ट हो चुका है और ग्लो भी कर रहा है। स्किन के लिए पेडिक्योर बहुत ही अच्छा है, तो मैं जैसे करती हूँ कि पेडिक्योर के बाद में थोड़ा सा टोनर यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है ओरिफ्लेम का प्योर स्किन फेस टोनर। वैसे पैर के लिए कोई अलग से टोनर नहीं है, इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ पेडिक्योर के बाद। मैं इसे यूज़ करने के लिए थोड़ा सा हाथ में ले लेती हूँ। और पैर में अच्छे तरह से दे देती हूँ। तो इसके बाद जैसे लास्ट स्टेप होता है कि नेल पॉलिश, तो मैं ये L18 का नेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। L18 का ये 26 नंबर है। तो नेल पॉलिश पहनने के बाद देखिए मेरे पैर ऐसे हो गए, बिल्कुल क्लीन हो गए हैं और स्किन भी बहुत सॉफ्ट हो गया है।
पेडिक्योर हम सबको महीने में एक बार करना चाहिए। ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन और ज़्यादा ग्लो होता है। सिर्फ हम लोग सिर्फ अपने फेस की बहुत ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि, लेकिन फेस के साथ साथ पैर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी का हिस्सा है, जिसे हमारी स्किन और ज़्यादा ग्लो करती है, एक्सफोलिएट करती है, न्यू सेल्स जेनरेट करती है। तो आप सब लोग भी ये घर पर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा हमारी ये पेडिक्योर का प्रोसेस। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।